भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक सेबेक्स 2। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ रहा है भारत। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी आज जाएंगे अयोध्या। 21 महीने बाद प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित करेंगे अपनी पगड़ी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा। 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का दूसरा सत्र होगा शुरू। बीजेपी सांसद समित पात्रा ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना और कहा, संसद के अंदर जय फिलिस्तीन कहने वाले कल को जय पाकिस्तान भी कह सकते हैं। इस देश में रहना है तो इस देश की बात करनी होगी। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी। कहा, भारत के बहुसंख्यक हो जाएंगे अल्पसंख्यक। देश में बड़े स्तर पर हो रहा है धर्मांतरण, इस पर लगनी चाहिए रोक। त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन पर 11 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। बेंगलुरु और कश्मीर की यात्रा करने के इरादे से भारत में घुसे थे। बदायूं में प्रशासन ने की बुलडोजर की कार्रवाई। नगरपालिका और बिलसी तहसील प्रशासन ने 5 दुकानों को ध्वस्त किया है। नाले पर अवैध तरीके से बनी 5 दुकानों को तोड़ा गया। जौनपुर में भी हुई बुलडोजर को की कार्रवाई। ग्राम सभा के तालाब पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। राजस्व टीम और शाहगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीजीपी अभिनव कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए दिशा निर्देश। बंगाल में महिला के साथ बर्बरता पर बीजेपी का हमला। कोलकाता में प्रदर्शन करके मांगा ममता का इस्तीफा और कहा, बंगाल में कानून व्यवस्था खराब होने से जंगलराज जैसे हालात। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शराब घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में केजरीवाल। राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने किया तलब। मानहानि के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आरोपी और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की अर्जी पर आज सुनवाई है। ब्रजभूषण ने अपनी अर्जी में 16 दस्तावेजों की मांग की है। के कविता की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट से के कविता की याचिका खारिज। सीबीआई ईडी दोनों मामलों में अर्जी खारिज हुई। शराब नीति मामले में याचिका खारिज हुई। यूपी के सीतापुर में हुआ हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत हो गई। परिवार में मचा कोहरा। हरियाणा के करनाल में मालगाड़ी हादसे का शिकार। 10 कंटेनर्स गिरने से पटरी टूटी। कैंसिल की गई 2 ट्रेनें। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक ही घर में 5 शव मिलने से हड़कंप मच गया। सभी के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिले। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली हुई सड़क हादसे का शिकार। हादसे में एक की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक की मौत हुई। यूपी के संभल में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में चलती कार में आग लगी। चलती गाड़ी में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई।